तो फैमिली कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं DM DF और कार्मिक की रीडिंग। देखेंगे कि DM DF और कार्मिक की स्टोरी में क्या चल रहा है। तो गाइस, मैं अलग अलग डेक यूज़ करूँगी इस रीडिंग को करने के लिए। उससे पहले लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस मेरे चैनल को। और ऑल्सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगी। और जब आप लोग देखोगे ये, तब आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों के लिए निकालती हूँ DM के कार्ड्स इस डेक से, और देखते हैं कि क्या डिवाइन मैस्कुलिन हमारे, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में करंटली। एक मिनट गाइस, चलिए देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में करंट एनर्जीज क्या है डिवाइन मैस्कुलिन की। तो ये रहे कुछ कार्ड्स, और भी कार्ड्स निकलना चाहते हैं गाइस, तो मैं ले लेती हूँ उनको भी। ओके, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन की डेक रही, ये यूज़ करेंगे एनर्जी और एक लार्ज डिवाइन फेमिनिन के लिए। देखते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या निकल के आता है, डिवाइन फेमिनिन की क्या करंट एनर्जीज है गाइस। मैंने काफ़ी टाइम हो गया इस डेक को यूज़ नहीं किया है, बट आज आई एम गाइडेड टू। तो चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए एनर्जी और एक से क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके, एंड अब मैं यूज़ करूँगी, कुछ और भी कार्ड निकलना चाहते हैं तो ऐसे ही रैंडमली नहीं उठाती हूँ, शफल करके निकालती हूँ। ओके, नहीं वो नहीं आना चाहता था। तो चलिए गाइस, DM DF भी हो गया। कार्मिक के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेजर आर्काना सिर्फ द सीक्रेट इंडियन टैरो से। तो चलिए देखते हैं गाइस कि कार्मिक्स का क्या करंट एनर्जीज है। ठीक है गाइस, देखते हैं कार्मिक्स के लिए क्या निकल के आता है। राइट, तो ये कार्ड्स कार्मिक के लिए निकल गए हैं। और फिर गाइस देखेंगे कनेक्टिंग एनर्जीज एंड सब कुछ। तो चलिए देखते हैं कि पहले डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड्स देखेंगे और DF और कार्मिक के कार्ड्स बाद में देखेंगे। तो मैं ऐसे करने वाली हूँ गाइस, पहले डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड स्प्रेड कर दूंगी, फिर डिवाइन फेमिनिन के साथ और कार्मिक के साथ देखेंगे। तो अलग टाइप की रीडिंग रहने वाली है। और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए स्ट्रेंथ है, मैजिशियन है, हीलिंग है, सेल्फ वर्थ जो है डिवाइन मैस्कुलिन का वो हील हो रहा है। दे आर चूजिंग लव गाइस, लेकिन वो अंधेरे में अभी भी तीर मार रहे हैं, उनको पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं और जो पास्ट में हुआ है उनके साथ वो दोबारा हो सकता है। बहुत स्ट्रेंथ इकट्ठा करके गाइस डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अंधेरे में तीर मार रहे हैं, ये सही भी नहीं जा सकता, ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। और वो जो है इसी से घबरा के अकेले बैठे कि उनको ये रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बट उनको चाहिए तो गाइस एक बहुत अच्छी और हैप्पी फैमिली और न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बाहर देखने की कोशिश करना चाह रहे हैं ये डिवाइन मैस्कुलिन हमारे। दे वॉन्ट टू चूज लव, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसलिए वो स्टेप ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हमने रिस्क ले लिया अगर तो क्या ये जो है सही रहेगा कि नहीं रहेगा, वही जो है डर है डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए गाइस देखते हैं पहले कार्मिक्स की क्या करंट एनर्जीज है। कार्मिक्स जानते हैं गाइस कि ये जो है इंट्यूशन है कार्मिक्स को कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है हर्मिट मोड में इसीलिए है क्योंकि वो जो है डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में सोच रहे हैं, वो इतना जानते हैं गाइस, और इसी वजह से वो उनको जो है ओके गाइस मैं आपको बताती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हर्मिट मोड में गए हैं, एक मिनट गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन जब हर्मिट मोड में गए हैं तो वो जानते हैं कि वो हर्मिट मोड में क्यों गए हैं, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन के बारे में सोच रहे हैं, वो लव के बारे में सोच रहे हैं, वो जानते हैं डिवाइन मैस्कुलिन जो है ये सब कर रहे हैं फॉर अ न्यू ब्राइट फ्यूचर, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा जो है अटैक कर रहे हैं, वो डेविल की तरह बिहेव कर रहे हैं कार्मिक्स, और उनका जो कार्मिक नेचर है वो एक्टिवेट हो गया है कि हम उनको जो है डिवाइन फेमिनिन के पास जाने नहीं देंगे। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन को इनर वर्क से, उनको करने नहीं दे रहे, बार बार कॉल या मैसेज कर रहे हैं, बार बार उनको परेशान कर रहे हैं ताकि वो जो है इस जर्नी में सक्सेसफुल ना हो पाए, और उनको उल्टी सीधी बातें सुना रहे हैं ताकि डिवाइन मैस्कुलिन कभी ब्राइट फ्यूचर ना हो पाए, उसको स्ट्रेंथ ना आए,
टॉक्सिसिटी बता रहे हैं, मतलब उनको हील होने नहीं दे रहे हैं, जो टाइम हीलिंग के लिए चाहिए, जो टाइम इनर वर्क के लिए चाहिए, वो सारा टाइम कार्मिक्स खाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। पर देखते हैं गाइस उन दोनों की कनेक्टिंग एनर्जीज क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन क्या सोच रहे हैं कार्मिक्स के बारे में, डिवाइन मैस्कुलिन क्या एक्शन लेने वाले कार्मिक्स के बारे में। तो मैं पहले ये करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं गाइस क्या निकल के आता है। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, रिलीज योर एक्स। डिवाइन मैस्कुलिन क्लियरली मतलब रिलीज करना चाहते हैं उनको और हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये जो कार्मिक्स है इनको समझ आ रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा कुछ करने वाले हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जो है उनको परेशान कर रहे हैं, उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, उनको जो है लव का वास्ता दे रहे हैं, शादी का वास्ता दे रहे हैं, उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रस्टवर्दी हैं और हमारे साथ ही रहो और कहीं मत जाओ। उनके पूरी जो है जो आज तक डिवाइन मैस्कुलिन को कार्मिक्स ने नहीं दिया वो सब देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स को तो वो लोग मतलब अब्यूज़ कर रहे हैं, हर्टफुल वर्ड्स बोल रहे हैं कि तुम हमारे लायक ही नहीं थे, तुम किसी के लायक नहीं हो। तो बहुत दोनों टाइप से जो है कार्मिक्स एक्टिवेट हो गई है और अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन जो है न्यू लव की तरफ अपना माइंड ओपन करके चल रहे हैं। कुछ कुछ डिवाइन मैस्कुलिन आपको कॉल करके फ्लर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई छोड़ना है तो छोड़ना ही है। तो ये समझ रही है कार्मिक्स की भाई मेरा तो काम ख़त्म है यहाँ पे, मेरा तो टाइम ओवर है, ये तो मुझे वापस एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, इसीलिए कुछ भी किए जा रही है। एक मिनट गई, तो अभी देखते हैं गाइस डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जीज है यहाँ पर। एक्शन, डिवाइन फेमिनिन एक्शन चाहती है डिवाइन मैस्कुलिन से। उनको लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन चुप बैठे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो धोखा उनको मिलने ही वाला है। मतलब डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन धोखा ही देंगे, क्योंकि बेसिकली डिवाइन फेमिनिन के फाइनेंसेस यहाँ पे ब्लॉक्ड लगे पड़े हुए हैं। डिवाइन फेमिनिन जो है वो ऑब्वियसली गाइस सेक्रल चक्रा आपका ब्लॉक्ड है, मनी ब्लॉक्ड है आपका, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशंस को, क्योंकि आपको लगता है कि ये इन द एंड धोखा ही देंगे, ऑलरेडी किसी और के साथ है, ये मुझे मतलब जो बोल रहे हैं मुझे वो मान लेना चाहिए, ये तो आएंगे नहीं, ये तो मेरे साथ सिर्फ जो है टाइम पास ही करेंगे, टाइम वेस्ट ही करेंगे, इसलिए मुझे अपनी लाइफ को खुद को संभालना चाहिए, डोर टू स्पिरिट बनना चाहिए और ब्लॉसमिंग अबंडेंस मुझे। डिवाइन फेमिनिन जो है अब डिवाइन मैस्कुलिन पे बिल्कुल भी रिलाय नहीं करती, बिल्कुल भी उसको सपना नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन आएगा और फिर उसकी लाइफ जो है अच्छी होगी और साथ में रहेंगे और खुश रहेंगे। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जो है अपनी स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रही है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स भी ऐसे ही रहने वाले, 333 अगर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ही यही है कि डिवाइन फेमिनिन जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्रोग्रेस कर रही है और स्पिरिचुअलिटी को ही अपनाएंगी और अपना हार्ट लॉक कर देंगी। देखिए गाइज डिवाइन फेमिनिन ने अपना हार्ट लॉक कर दिया है टूवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन और वो नहीं इंटरेस्टेड है, वो अब अपने आप को कहीं पे भी जो है अटकाना नहीं चाहती, वो स्टक नहीं फील करना चाहती है इसीलिए। तो चलिए गाइस देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या सोच रहे हैं। एक मिनट गाइस, आई एम नॉट गाइडेड टू टेक दिस कार्ड्स, तो मैं नहीं लूँगी इनको, लेकिन तभी भी मैं देखती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन जो है के लिए क्या एनर्जीज है, डिवाइन मैस्कुलिन के कनेक्टिंग एनर्जीज क्या है। न्यू लव आप ही हो, वो न्यू लव जो है जिनके लिए डिवाइन मैस्कुलिन वहाँ पे भी आया था, वो न्यू लव आप ही हो, लेकिन वो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें ताकि वो आपके पास आके एफर्ट ले सके। गाइज ये देखना बहुत और वेरी सून है बॉटम ऑफ द डेक में, तो आप खुश हो जाइएगा। लेकिन अगर आपके पर्सन के चिल्ड्रन है कार्मिक के साथ, तो वही उनको ब्लॉक करके रख रहे हैं, या कार्मिक्स उनको चिल्ड्रन के वजह से ही ब्लॉक करके रखे हुए हैं, वही डेविल एनर्जीज है जिनके वजह से वो आपके पास आ नहीं रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ चिल्ड्रन के वजह से ही अटके हुए, कार्मिक्स से ना वो प्यार करते हैं ना कार्मिक्स के साथ रहना चाहते हैं। पर गाइज डोंट वरी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन का डिवाइन भी कुछ करेंगे हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि डिवाइन हमारी हेल्प नहीं करेंगे, अगर डिवाइन हमें यहाँ तक ले आए हैं तो हमारी हेल्प भी वो वही करेंगे। तो इसी बात पे आप थोड़ा सा
भरोसा कर लीजिए कि ये होना ही है, डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए ही है। यहाँ पे गाइज इस जर्नी में सिर्फ ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, और अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज है तो आप पहले उसको हील कीजिए, फिर इस जर्नी की हीलिंग के बारे में सोचिए। क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज अगर आपको होंगे तो ट्रस्ट इश्यूज आपके डिवाइन मैस्कुलिन बड़े इजीली मिरर कर लेंगे, और फिर आप जो है बोलोगे कि मतलब वो तो आ ही नहीं रहे, तो फिर आपको और अलग इश्यूज हो जाएंगे। तो इससे बेटर है गाइज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप अपने ट्रस्ट इश्यूज को अच्छे से हील कीजिए, ताकि अगर आप चाहते हो कि आपका जो ये ट्रस्ट वाला प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाए, तो आपको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा इस जर्नी पे। आधे से ज़्यादा लोग जो है बार बार आप लोग जो है ये जर्नी को ट्रस्ट नहीं करते, और बार बार आप छोड़ने की बातें करते हो, और बार बार आप लोग को लगता है बस ऐसा हो गया तो ये जर्नी ख़त्म है, अब तो मुझे ये मिलने वाला नहीं है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी ऐसे ही बिहेव करेंगे कि बस अब इसने ऐसा कर दिया, अब मेरे को ये नहीं चाहिए, अब मेरे को इस पर ट्रस्ट ही नहीं है। तो गाइस सबसे बड़ा एक ब्लॉकेज ट्रस्ट इशू हो सकता है आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन में। तो आप इस जर्नी को ट्रस्ट करना सीखिए, और ये ट्रस्ट करना सीखिए कि ये अगर आपके लिए है, ये अगर आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो ये आपको मिलकर ही रहेंगे। तभी डिवाइन मैस्कुलिन भी कुछ ट्रस्ट अपने लाइफ में बना पाएंगे किसी चीज़ पे। तो चलिए गाइस देखते क्या मैसेजेस जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आते हैं। मुझे तो यहाँ पे ट्रस्ट इज़ द मेन की लग रहा है, बट चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आपके लिए। आई हैव चेंज फॉर द बेटर सिंस वी मेट। तो देखिए गाइज वो भी आपसे कह रहे हैं कि मैं बदल चुका हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है गाइज, वी हैव टू कम टू शो द वर्ल्ड व्हाट ट्रू लव इज एंड वी शुड स्टैंड बाय इट। ओके गाइज, ये खुद भी कह रहे हैं कि हम दुनिया को दिखाने आए कि ट्रू लव कैसा होता है, क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो हम लोगों को वो चीज़ें सब करनी चाहिए जो ट्रू लव की जर्नी में ज़रूरत होती है, जिनकी जैसे कि जैसे मैंने कहा जेलिसी नहीं होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, बहुत कुछ होता है गाइज। ये इतना इजी जर्नी नहीं है, बट मैं आपको डिस्करेज नहीं करूँगी। यूनियन तो होकर ही रहेगा, लेकिन ये जितना टाइम आप इसको एक्सेप्ट करने में लगाते हो और अपने इनर वर्क करने में लगाते हो, उतना ही टाइम आप वेस्ट करते हो मतलब यूनियन में। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इस जर्नी में सबसे बड़ा यूनियन का ब्लॉकेज कौन है, तो आप खुद हो अपने यूनियन के सबसे बड़े ब्लॉकेज। तो चलिए गाइस देखते हैं। इफ़ आई टोल्ड यू व्हाट आई ट्रूली फील अबाउट यू, यू विल रन अवे आई एम श्योर। And I thought of you being with someone else makes me jealous and passionate for you. यही प्रॉब्लम है गाइज, यही प्रॉब्लम है। डिवाइन फेमिनिन बार बार जेलिस हो जा रही है कि डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक के साथ क्यों है, और अगर आप इसी बात पे बार बार जेलिस हो रहे हो कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है कार्मिक्स के साथ क्यों है और वो मेरे है और वो मेरे साथ होने चाहिए, तो गाइज मैं आपको पहले ही बता दूँ अगर ये है तो इससे बड़ा ब्लॉकेज और कोई नहीं है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो गाइज जो आपको अगर वो आपके ट्विन फ्लेम है तो वो किसी और के साथ है, तो वो कोई और उसको लेसन सिखा रहा है, वो कोई और उसको आपके लायक बना रहा है, तो आपको वो थोड़ा सा समझ के लेना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वो अभी किसी और के साथ है तो कोई बात नहीं, वो एंड जो होता है वो सब सही कर देता है। तो अगर एंड में वो आपके साथ है तो अभी वो क्या करे और किसके साथ क्या इंजॉय करे और कैसे कर रहे हैं, वो आपको उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो चलिए गाइज आज की रीडिंग यही ख़त्म कर देते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।